गुड मॉर्निंग टू ऑल द डियर स्टूडेंट्स. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश रीडर ऑफ क्लास सिक्स, चैप्टर नंबर 5, द काइट मेकर, पतंग बनाने वाला. ये कहानी एक बूढ़े आदमी की है जिसका नाम महमूद है. ये पतंग बनाता था. चलिए इसके बारे में आप पढ़ते हैं, इस चैप्टर को पढ़ते हैं. देयर वॉज वन ट्री इन द स्ट्रीट known as Gali Ramnath, ancient Banyan tree that has grown in the cracks of abandoned mosque and little early kite has caught in its branches. एक गली रहती है जिसका नाम था गली रामनाथ. और यहाँ क्या है, एक पेड़ है. किसका? बानियन यानी बरगद का पेड़ है. और ये बरगद का पेड़ एक abandoned mosque, abandoned मतलब जिसको, जिस mosque में अब कोई नहीं जाता है, यानी एक ऐसा मस्जिद. मॉस्क मतलब क्या होता है, मॉस्क्यू भी कहते हैं इसको, यानी मस्जिद में जो कि अबेंडेंड हो गया है, यानी अब वहाँ कोई नहीं जाता है. और वो मॉस्क क्या हो चुका है, पूरी तरीके से टूट फूट चुका है. और उसके क्रैक्स में, होल में क्या, एक पेड़ उगा हुआ है जो कि बानियन ट्री है. बानियन ट्री मतलब बरगद का पेड़ है. और वो कौन से गली में है, गली रामनाथ में ये सब कुछ है. ठीक, मतलब गली का नाम गली रामनाथ है. उसमें एक बहुत पुराना बरगद का वृक्ष है जो कि एक परित्यक्त मास्क यानी मस्जिद के क्रैक्स में वो बहुत बड़ा पेड़ बन गया है. और जो छोटा सा अली है, अली कौन है, ये इसका नाती है, ये दादा है, ये नाती है यानी इसका पोता है. तो उस पोते के, इसके पोते की काइट जो है, पतंग जो है, वो उसी के ब्रांचेज में, यानी जो बरगद का वृक्ष है उसके ब्रांचेज में फंस गई है. तो देखिए ये कहानी कहाँ शुरू होती, गली रामनाथ के से शुरू होती, जहाँ की एक बरगद का पेड़ है. और बरगद वो कहाँ उगा हुआ है, एक अबेंडेंड मास्क है उसके क्रैक्स में. और जो काइट है, अली काइट उड़ा रहा था यानी पतंग उड़ा रहा था, और उसके ब्रांचेज में यानी बानियन यानी जो बरगद है, बरगद के वृक्ष के उसमें ब्रांचेज यानी शाखाओं में उसके, उसका जो पतंग है वो अटक गया, फंस गया है. द बॉय बेयर फुट एंड क्लैड ओनली इन टॉर्न शर्ट रैन अलोंग द कोबल्ड स्टोन ऑफ द नैरो स्ट्रीट वेयर हिज ग्रैंडफादर सैट नॉडिंग ड्रीमिंग इन सनशाइन ऑफ देयर बैक कोर्टयार्ड. यानी वो दौड़ते दौड़ते बिना पैर में भी कुछ नहीं पहना हुआ है, बेयर फुट है यानी नंगे पाँव है. और उसने शर्ट भी जो पहने हैं वो काफ़ी पुराना फटा हुआ कपड़ा पहन रखा है. वो मतलब उसकी पतली गली में दौड़ते दौड़ते आता है. तो उसके दादाजी जो हैं, ये महमूद जी, वो क्या कर रहे हैं, जम्हाई ले रहे हैं. नॉडिंग मतलब जम्हाई, क्या कह सकते हो, उग रहे हैं. और ड्रीमिंग इन सनशाइन ऑफ द डे बैक कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड मतलब अपने, आप कह सकते हो आंगन में बैठ करके सूरज का धूप ले रहे हैं. उसमें भी ड्रीमली यानी वो क्या देख रहे हैं, स्वप्न देख रहे हैं, दिवा स्वप्न देख रहे हैं. ग्रैंडफादर साउटेड द बॉय माय काइट हैज गॉन, वो चिल्ला चिल्ला करके अली आ रहा है, कह रहा है कि दादाजी मेरा काइट गया, यानी माय काइट हैज गॉन यानी मेरा पतंग क्या हो गया है, फंस गया है. ये आपको पहले ही बताया गया कि इसका पतंग कहाँ फंस जाता है, उस बरगद के वृक्ष के शाखाओं में, ब्रांचेज में. The old man woke up from his daydream with a start and raising his head, his played a beard that would have been white, his has been not dried red mehdi leaves. अब देखिए ये बूढ़ा आदमी अपने दीवा स्वप्न से उठता है और देखता है, इसके बाल बड़े बड़े हैं, दाढ़ी के बाल जो हैं वो बड़े बड़े हैं, उस पर जो मेहंदी का कलर किया हुआ है उससे ये अब ख़त्म हो गया, यानी जो लाल रंग है वो फीका पड़ने लगा है. Didn't the twine break? डोर टूटे तो नहीं, ट्वाइन का मतलब जो है मांझा जो होता है, वो टूटा तो नहीं, ही आस्क्ड, उसने पूछा. द काइट ट्वाइन इज नॉट व्हाट इज यूज्ड टू बी, नो ग्रैंडफादर, द काइट स्टक इन बानियन ट्री. यानी उसने कहा कि पतंग की डोर नहीं टूटी है, बल्कि पतंग ही फंस गया है, किसमें, बरगद के शाखाओं में. द ओल्ड मैन चकल्ड एंड यू हैव नॉट लर्नड हाउ टू फ्लाई काइट प्रॉपरली. यानी वो जो बूढ़ा आदमी था, चकल्ड मतलब खूब जोर से हंसा कि तुम्हें अब तक पतंग उड़ाना ही नहीं आया है मेरे बच्चे, माय चाइल्ड, यू मतलब उसने बोला कि मेरे बच्चे अभी तुम काइट को प्रॉपरली उड़ाना यानी फ्लाई करना नहीं सीख पाए हो.
एंड आई एम टू ओल्ड टू टीच यू, मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ कि मैं तुम्हें सिखा भी नहीं सकता हूँ कि पतंग कैसे उड़ाया जाता है, दैट्स पिटी ऑफ इट, ये बड़े दुख की बात है, बट यू शैल हैव अनदर, चलो मैं तुम्हारे लिए दूसरी पतंग बना दूंगा, क्योंकि ये पतंग बनाने वाला इस कभी ये पतंग बनाता था और बहुत अमीर था। ही हैड जस्ट फिनिश्ड मेकिंग अ न्यू काइट फ्रॉम द बम्बू पेपर एंड थिन सिल्क एंड इट ले इन द फॉर्मिंग अप, इट वॉज पेल पाइन काइट विथ अ स्मॉल ग्रीन टेल। और उसने कहा कि अभी अभी उसने क्या कहा किया था, अभी एक उसने बांस के लकड़ियों का और सिल्क से और पेपर से कुछ एक फ्रेम बनाया था, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त उसने क्या बनाया था, एक पतंग बनाया था। इट वॉज पेल पिंक, यह पीले तरीके का और पिंक कलर का काइट था, विथ अ स्मॉल ग्रीन टेल, जिसकी पूछ यानी जो ये होती है वो ग्रीन कलर की थी। द ओल्ड मैन हैंडल इट टू अली, और उसने जो आदमी था यानी बूढ़ा आदमी इसका दादा जो था, उसने उसे क्या पकड़ाया, वही पतंग पकड़ाया, हैंडेड इट यानी उसे पकड़ाया। एंड द बॉय रेज्ड हिमसेल्फ ऑन हिज टू एंड किस्ड हिज फादर हार्ड आउट चीक आउट चीक, और जब बच्चा पतंग पा गया तो वो उसने अपने दादा के गाल पे किस किया, जो कि एकदम गाल इसके पिचक गए थे उस पर इसने किस किया और वहाँ से चल दिया। नेक्स्ट देखते हैं, आई विल नॉट लॉस दिस वन ही सेड, यानी बच्चे ने कहा, अली ने कहा कि अब मैं इस पतंग को तो नहीं खोऊंगा। दिस काइट विल फ्लाई लाइक अ बर्ड, ये जो पतंग है या काइट है ये चिड़ियों की तरह उड़ेगी। एंड ही टर्नड ऑन हिज हील्स, और वो दौड़ पड़ा वहाँ से, एंड स्किप्ड आउट ऑफ द कोर्ट यार्ड, और आंगन से बाहर निकल गया। द ओल्ड मैन रिमेन्ड डे ड्रीमिंग इन द सन, और बूढ़ा आदमी यानी महमूद अब फिर से क्या करने लगा, डे ड्रीमिंग करने लगा, दीवा स्वप्न देखने लगा। हिज काइट सॉफ हैड गॉन एंड द प्रमाइजेज लॉन्ग सीन सोल्ड टू जंक डीलर, बट ही स्टिल मेड काइट्स फॉर हिज ओन अम्यूजमेंट फॉर हिज ग्रैंडसन, यानी उसकी जो पुरानी शॉप थी वो बिक गई। एंड हिज प्रमाइजेज लॉन्ग सीन्स हैड जंक डीलर, और उसके पास जो जमीन जायदाद भी थी वो भी एक जंक डीलर, जंक डीलर कौन होता है, कबाड़ी वाला, उसने खरीद लिया था। बट ही स्टिल मेड काइट्स, लेकिन आज भी वो पतंग बनाता था फॉर हिज ओन अम्यूजमेंट एंड फॉर हिज ग्रैंडसन, अपने आनंद के लिए, अपने नाती अली के लिए बनाता था। नाउ मेनी पीपल बॉट काइट्स दीज डेज, इन दिनों मतलब वो अपने मतलब नो बट ही स्टिल हाँ नॉट मेनी पीपल बॉट काइट्स दीज डेज, आजकल के बच्चे क्या करते हैं या आजकल लोग पतंगों को नहीं खरीदते हैं, ज़्यादा नहीं खरीदते हैं, एडल्ट्स डिसडेन देम, जो जवान लोग होते हैं वो तो उससे दूर ही रहते हैं। चिल्ड्रेन प्रेफर टू स्पेंड देयर मनी वॉचेज मूवी वॉचिंग मूवी, और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो मूवी देखना पसंद करते हैं, न कि पतंग उड़ाना। मोर ओवर देयर वॉज नॉट मेनी ओपन स्पेसिस लेफ्ट फॉर द फ्लाइंग ऑफ काइट्स, यानी आजकल तो शहरों में ज़्यादा जगह भी नहीं बचे हैं, ओपन स्पेसेस भी नहीं है जहाँ की बच्चे पतंग उड़ा पाए, यानी गार्डन भी नहीं है या फिर कह सकते हैं पार्क भी नहीं है जहाँ पे कि बच्चे क्या कर सकें, पतंगों को उड़ा सकें। द सिटी हैज सोलोड अप द ओपन फील्ड एंड द स्ट्रेच फ्रॉम द ओल्ड फोर्ट वॉल्स ऑफ द रिवर बैंक, यानी ये बता रहा है कि आजकल शहर इतना ज़्यादा विस्तारित होने लगा था कि जो ओपन फील्ड थे, खुले मैदान थे, वो पूरी तरीके से भर गए थे रिवर बैंक से लेकर के फोर्ट तक, यानी नदी के किनारे से लेकर के फोर्ट मतलब किलों तक शहर ने निगल लिया था, यानी सब कुछ शहर में बदल गया था, अब ओपन फील्ड्स नहीं थे जहाँ के बच्चे क्या करें, पतंग उड़ा सके। बट द ओल्ड मैन रिमेंबर टाइम व्हेन ग्रोन फ्लाई मैन फ्लाई काइट्स एंड ग्रेट बैटल्स वर फॉर द काइट्स वेयरिंग इन द स्वूपिंग इन द स्काई एंड टैंगलिंग विथ ईच अदर अंटिल द स्ट्रिंग ऑफ वन वॉज सर्व्ड सिवियर्ड, तो यानी ये कहा जा रहा है कि बूढ़े या जो बूढ़ा आदमी रहता है यानी इसका दादा जो रहता है वो याद करता है कि कैसे पहले क्या होता था, बहुत बड़े बड़े युद्ध लड़े जाते थे, बैटल्स होते थे किसके बीच, काइट्स के बीच में, आकाश में जब उड़ाया जाता था उन्हें स्काई में, तो एक युद्ध होता था, बैटल होती थी, टैंगलिंग विथ ईच अदर अंटिल द स्ट्रिंग हैज बीन वन सिवियर्ड, यानी तब तक ये लड़ाई चलती रहती थी जब तक किसी के पतंग का जो डोर होता था वो कट नहीं जाता था। देन द डिफीटेड बट लिबर्टेड काइट वुड फ्लोट इन टू द स्काई अनब्रोकन ब्लू अननोन ब्लू, यानी ये कहा जा रहा है कि जब पतंग की डोर कट जाती थी तो जो पतंग होता था वो किसी अज्ञात स्थान पर उड़ जाता था।
देयर वॉज अ गुड डील ऑफ बेटिंग एंड मनी फ्रिक्वेंट चेंजेस ऑफ हैंड्स। और कभी कभी तो इस कई सारे शर्त भी लगाए जाते थे, पैसे भी लगाए जाते थे कि कौन जीतता है, यानी उस पे पैसा भी लगाया जाता था, सट्टा भी लगाया जाता था। मनी काइट फ्लाइंग वॉज देन अ स्पोर्ट ऑफ किंग्स, यानी उसके ज़माने में जब महमूद नवयुवक था, जब छोटा था, तो उस समय ये राजाओं का खेल होता था। यानी राजा लोग क्या करते थे, पतंगों का खेल खेलते थे, पतंग उड़ाते थे। एंड द ओल्ड मैन रिमेम्बर्ड हाउ द नवाब हिमसेल्फ वुड कम हिम टू द रिवर साइड हिज रेटीन एंड पार्टिसिपेट हिज नोबल पस्टिंग। तो वानी ये कह रहा है कि नवाब भी क्या होता था, रिवर साइड में यानी नदी के किनारे वाले क्षेत्र में आता था और हर रोज पार्टिसिपेट करता था और अपने अच्छे दिनों को बिताता था, अच्छे समयों को। देयर वॉज अ टाइम देन टू स्पेंड द आइडल आवर विद ग्रे डांसिंग स्ट्रिप ऑफ पेपर। तो क्या करते थे लोग, अब बहुत अपने खाली समय को क्या करते थे, ये कागज़ के टुकड़े के नाचने पर बिताते थे, यानी पतंगों को उड़ाने में अपना समय बर्बाद करते थे या व्यस्त अपना अपने खाली समय को बिताते थे। नाउ एवरी वन हरीड एंड हीट ऑफ होप एंड डेडिकेट दिस थिंग्स लाइक काइट्स एंड डे ड्रीम वर ट्रेम्पल्ड अंडर फुट। और आजकल जो कि लोगों का जीवन इतना अस्त व्यस्त हो गया है कि पतंग उड़ाना ये पैरों तले दब कुचल दिया गया है, यानी आज ये आउटडेटेड हो गया। इन प्राइम ऑफ हिज लाइफ महमूद हैड बीन वेल नोन थ्रू आउट द सिटी। अपने बचपन में महमूद पूरे गांव में या पूरे विलेज में, सिटी में फेमस था, पूरे शहर में फेमस था। सम ऑफ हिज मोर इलेबोरेट काइट्स वन सोल्ड फॉर मच देन 3 or 4 rupees ईच। कभी कभी तो ऐसा होता था कि उसके एक एक पतंग 3 या 4 रुपए के बिक जाते थे, जो कि बहुत कॉस्टली माना जाता था, बहुत ही महंगा था। एट द रिक्वेस्ट ऑफ नवाब ही हैड वंस मेड अ वेरी स्पेशल काइंड ऑफ काइट एंड लाइक ए दैट हैड नेवर बीन इन द डिस्ट्रिक्ट। यानी एक बार उसने नवाब के कहने पर यानी रिक्वेस्ट पर, उनके निवेदन पर क्या बनाया, एक बहुत ही विशेष खास तरीके की उसने क्या बनाई थी, काइट को बनाया था कि जैसा कि उस पूरे शहर में, उस पूरे जिले में आज तक किसी ने उस तरीके का पतंग नहीं बनाया था। इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ स्मॉल वेरी लाइट पेपर डार्क रेलिंग ऑन द थिन बम्बू फ्रेम। और यह छोटे छोटे स्मॉल लाइट पेपर का छोटे छोटे डिस्क से बनाया गया था और बम्बू का फ्रेम था इसका। टू द एंड ऑफ डिस्क ही फिक्स्ड अ स्प्रिग ऑफ ग्रास, और इसके किनारों पर उसने घास से मढ़ दिया था, फॉर्मिंग अ बैलेंस ऑफ बोथ साइड, ताकि दोनों साइड बैलेंस रहे। द सर्फेस ऑफ द फोरमोस्ट डिस्क वॉज स्लाइटली कन्वेक्स एंड द फैंटेस्टिक फेस वॉज पॉइंटेड ऑन इट। और इस पर एक अलग तरीके का फेस बनाया गया था, चेहरा बनाया गया था, मुखौटा बनाया गया था। इट हैव बीन टू आइड मेड ऑफ स्मॉल, और उस पतंग पर दो आंखें बनाई गई थी, इस तरीके की दो आंखें बनाई गई थी पतंग के ऊपर। द डिस्क डिक्रीजिंग इन साइज फ्रॉम हेड टू टेल, यानी जो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनाया गया था, हेड पे वो ज़्यादा फैला हुआ था और टेल पे बहुत ही कम था। और ये क्या दिखता था, एडल्ट्री फॉर्मिंग गेव काइट अपीयरेंस ऑफ क्रॉलिंग सरपेंट, यानी उड़ने वाले एक सरपेंट यानी सांप के जैसा आकृति उसे देता था। इट रिक्वायर्ड अ ग्रेट स्किल टू रेज द कम्बरसम डिवाइस फ्रॉम द ग्राउंड, इट वॉज ओनली महमूद कुड मैनेज इट। हालांकि महमूद ने ऐसा बना तो दिया था, लेकिन ये इसको उड़ाना सबके बस की बात नहीं थी, यानी महमूद की मदद के बिना उस पतंग को उड़ाना बहुत ही मुश्किल था। एवरी वन हैड हर्ड द ड्रैगन काइट महमूद हैड बिल्ट, सब किसी ने, हर किसी ने सुना कि महमूद ने क्या बनाया, एक ड्रैगन काइट बनाया है। द वर्ल्ड वेंट राउंड दैट इट पॉसेस सुपर नेचुरल पावर्स, और पूरी दुनिया में ये फेमस हो चुका था, मतलब कि इसमें क्या था, एक सुपर नेचुरल पावर था, एक अद्वितीय शक्ति थी। द लार्ज क्राउड असेंबल्ड इन द ओपन वॉच इट फर्स्ट पब्लिक लॉन्चिंग इन द प्रेजेंस ऑफ नवाब, नवाब के आप कह सकते हैं उपस्थिति में इसको पहली बार लॉन्च किया जाना था। बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई थी इसे देखने के लिए, जो पतंग महमूद ने बनाया था उस पतंग को देखने के लिए बड़ी भीड़ लगी थी, नवाब भी वहां आया था। एट द फर्स्ट अटेम्प्ट इट रिफ्यूज टू लीव द ग्राउंड, पहली बार जब प्रयास किया गया तो वो जमीन ही उसने नहीं छोड़ा, पतंग ने जमीन छोड़ा ही नहीं। द डिस्क मेड द प्लेंटेटिव प्रोटेस्टिंग साउंड, उसमें ऐसी आवाज आ रही थी जैसे वो पतंग कह रहा हो कि मैं नहीं उठूंगा। देन द सन ट्रैप्ड इन द लिटिल मिरर्स मेकिंग इन द काइट लिविंग कम्प्लेक्शन के रीचर, और जब सूरज का प्रकाश उसके ऊपर जो मिरर लगाया गया था उस पर पड़ रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई जीवित प्राणी हो। देन द विंड केम फ्रॉम द राइट डायरेक्शन, अचानक ही दाएं साइड से, राइट डायरेक्शन से
क्या आया, हवा चली, तेज से हवा के का एक झोंका चला, एंड द ड्रैगन काइट सोर्ड इन टू द स्काई, और जो ड्रैगन काइट था वो आकाश में उड़ने लगा, रिगलिंग इट्स वे हायर एंड हायर, द सन स्टिल ग्लिंटिंग इन द इट्स डेविल आइज। और जो ड्रैगन काइट थे वो ऊपर 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 उड़ने लगी, और उसके मतलब जो उसमें जो शीशे लगे हुए थे वो ऐसे लग रहे थे जैसे डेविल की आंखें हों, डेविल मतलब किसी शैतान की आंखें चमक रही हूँ। एंड देन वेन इट वेंट अप हाई, पुल्ड फायसली ऑन द ट्वाइग एंड महमूद ट्वाइन एंड महमूद यंग सन हैड टू हेल्प हिम विद द रील। और जब ये आकाश में उड़ने लगा तो और भी ज़्यादा जोर जोर से उड़ने लगा, और महमूद का जो बेटा था उस रील यानी जो रील होता है मंजा होता है उसको में सहारा दे रहा था ताकि मंजा कम ना पड़े। स्टिल द काइट पुल टू डिटरमाइन टू फ्री द ब्रेक द लूज एंड लाइफ ऑफ इट्स ओन। और वो जो पतंग थी वो आकाश में और ऊपर ऊपर उड़ना चाहती थी और उस डोरी से मुक्त होना चाहती थी, एंड इवेंचुअली इट डिड सो, और उसने ऐसा किया भी। द ट्वाइन स्नैप्ड एंड काइट लीव्ड अप अवे टुवर्ड्स द सन सेलिंग ऑन द हेवन वर्ड अंटिल इट लॉस्ट टू व्यू। और अचानक ही डोर टूट गई और पतंग ऊपर और ऊपर उड़ता चला गया जैसे वह स्वर्ग में जाने लगा हो, बहुत ऊंचाई पर जाने लगा हो। इट वॉज नेवर फाउंड अगेन एंड महमूद वॉन्डर्ड आफ्टर वर्ड्स ही मेड टू विविट बट लिविंग थिंग ग्रेट ग्रेट काइट। और ये पतंग फिर कभी देखा नहीं गया, वो तब तक दूर तक जाता गया जब तक कि वो लोगों के दृश्य से गायब न हो गया। और महमूद ने उसके बाद कई सारे ऐसे पतंग बनाए, लेकिन वो पतंग क्या था, बहुत ही ग्रेट था। ही डिड नॉट मेक अनदर लाइक इट, उसके जैसा जीवन में पतंग महमूद ने कभी नहीं बनाया था। इन स्टीड द प्रेजेंट ऑफ नवाब म्यूजिकल काइट वन मेड साउंड लाइक वायलिन व्हेन इट रोज अप टू द एयर। और इसके बजाय नवाब के कहने पर उसने क्या बनाया था, एक म्यूजिकल काइट बनाया था जिसमें कि बीड़ा के जैसा ऐसी धुन निकलती थी, हवा में जब वो उड़ती थी तो उसमें बीड़ा जैसी धुन निकलती थी। दोज वर मोर लेजरली एंड मोर स्पेशस डेज, यानी वो बहुत ही आराम और बड़े खुशी के दिन थे। बट द नवाब हैड डेड डाइड ईयर्स एगो एंड डिसेंडेंट्स वर ऑलमोस्ट पुअर एज महमूद हिमसेल्फ। और जैसे जैसे जब नवाब मर गया तो उसके जो बच्चे हुए, उसके जो बाद के बच्चे हुए, वो महमूद से भी पुअर हो गए यानी उससे भी गरीब हो गए। कभी वो नवाब थे और उनके बच्चे क्या थे, आज बहुत ही गरीब हो गए थे। काइट मेकर्स लाइक पोएट्स वंस एट देयर पेट्रन, बस नो वन न्यू महमूद सिंपली बिकॉज देयर वर नो मेनी पीपुल इन द गली हु कुड बॉदर्ड विद देयर नेबर्स। यानी वो कह रहा है कि महमूद ये बता रहा है कि एक समय ऐसा होता था कि जो राजा या नवाब होते थे वो जैसे म्यूजिशियन या पोएट को पेट्रोनेज देते थे, उनको पैसा वैसा देते थे, एक तनख्वाह वेतन देते थे, वैसे ही जो उनका पतंग बनाने वाला होता था वो भी उनको पेट्रोनेज देता था, सहयोग करता था। लेकिन आज ऐसा समय आ गया है, समय बदल चुका है, लोग अपने पड़ोसियों के बारे में बिल्कुल भी चिंता आज नहीं करते हैं। वेन महमूद वॉज यंगर एंड फॉलन सिक, एवरी वन इन द नेबरहुड हैज कम आस्क ऑफ हिज आफ्टर हिज हेल्थ। और वो बता रहा था कि जब वो पतंगों को बनाता था, कभी बीमार पड़ जाता था तो लोग उससे पूछने उसका हालचाल उसके घर तक आते थे। बट नाउ वेन हिज डेज इज ड्राउनिंग एंड क्लोज, नो वन विजिटेड हिम। जैसे जैसे आज समय ढल गया है, समय बदल चुका है, आज वो कितना भी बीमार पड़े कोई उसे देखने तक नहीं आ सकता। मोस्ट ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड्स वर डेड, उसके जो पुराने मित्र थे ज़्यादातर उसमें से खत्म हो गए थे, मर गए थे, एंड देयर सन्स हैड ग्रोन अप, और उनके जो बच्चे भी थे वो भी बड़े हो चुके थे। वन वॉज वर्किंग इन लोकल गैरेज एंड अदर वॉज पाकिस्तान एट टाइम ऑफ पार्टीशन। और ये बता रहा है कि उसका जो एक बेटा था वो लोकल गैरेज में काम करता था, स्थानीय गैरेज में, और एक बेटा पाकिस्तान में ही छूट गया था जबकि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, और हैड नॉट बीन एबल टू रिजाइस हिज रिलेटिव्स। और फिर अपने रिलेटिव उसके रिश्तेदार थे उनसे फिर मिल नहीं पाया, पाकिस्तान में ही वो छूट गए। द चिल्ड्रेन हु बॉट काइट्स वर 10 ईयर्स अगो वर नाउ ग्रोन अप, जो बच्चे 10 साल पहले काइट खरीदते भी थे वो और बहुत बड़े हो चुके हैं, एंड स्ट्रगलिंग फॉर लिविंग, और वो बच्चे अब क्या कर रहे हैं, केवल और केवल अपने जीविका के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। दे डिड नॉट हैव टाइम फॉर द ओल्ड मैन और हिज मेमोरीज, आज किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो उस बूढ़े आदमी के बारे में सोचे। और वो क्या करता है, द ओल्ड काइट मेकर द बनियन ट्री विद द सेम इंडिफरेंस।
मतलब ये कहा जा रहा है कि आज जो पुराना बरगद का पेड़ है और वो जो बूढ़ा आदमी यानी महमूद है, दोनों एक जैसे ही हो गए हैं। इनके प्रति लोग क्या हो गए हैं, इंडिफरेंट हो गए हैं, यानी कोई केयर नहीं करता। बोथ वर टेकन फॉर ग्रांटेड, दोनों को लोग आज भुला दिया है, दोनों को, महमूद को भी और उस बरगद के पेड़ को। परमानेंट फिक्सचर वर नो कंसर्न ऑफ रॉकर्स एंड स्वेटिंग ऑफ द मास ह्यूमिनिटी सराउंडेड देम। कभी ऐसा होता था कि उस बरगद के वृक्ष के नीचे बहुत बड़ी भीड़ जमा होती थी, यानी जब गर्मी पड़ती थी और पसीना होता था तो लोग उसकी छाया में बैठकर आराम करते थे। नो लॉन्गर डिड पीपुल गैदर अंडर द बनियन ट्री टू डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर प्लान्स, ओनली द समर्स मंथ डिड फ्यू सीक शेल्टर फ्रॉम द फायर सन। और ये कहा जा रहा है कि अब यहाँ कोई भी नहीं बैठता, नहीं तो पहले क्या होता था, सभी लोग बैठ करके अपने प्रॉब्लम को डिस्कस करते थे वो बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ करके, लेकिन आजकल कोई केयर नहीं करता है। बट देयर वॉज अ बॉय हिज ग्रैंड सन, केवल एक ही बच्चा था उसका ग्रैंड सन यानी उसका नाती। इट वॉज गुड महमूद सन वर्कड क्लोज बाई एंड ग्लैडन टू ओल्ड मैन सर टू वॉच स्मेल बॉय टू प्ले इन द विंटर। और वो ये देखकर बहुत खुश होता था कि उसका नाती जो है वो इन सब चीज़ों को देखकर बहुत प्रसन्न रहता था, उसका ये दे सब देख करके उसका हृदय क्या होता था, मस्त हो जाता था या खुश हो जाता था। और द सन शाइन ग्रोइंग अंडर हिज आइज लाइक अ यंग वेल नरिश्ड ए सैपलिंग पुटिंग फोर्थ न्यू लीव्स ईच डे। और वो उसका नाती उसे ऐसा लगता था जैसे एक नया वृक्ष जो पौधा होता है, हर रोज एक नए नए पत्ते उसमें लगते हैं, वैसे उसका बेटा यानी नाती बढ़ रहा था। देर इज ग्रेट अफिनिटी बिटवीन ट्रीज एंड मैन, आदमी और पेड़ों में एक बहुत बड़ी समानता होती है। एफिनिटी मतलब होता है सिमिलैरिटी, एफिनिटी मतलब सिमिलैरिटी होता है। वी ग्रो एज मच एज द सेम पेस विद हर्ट एंड स्टार्व्ड एंड कट डाउन। जैसे पेड़ क्या होता है, बड़ा होता है, वैसे हम भी बड़े होते हैं। फिर हमें को उस समय जो कोई नहीं हर्ट करता, लेकिन कुछ दिन के बाद हम भूखों से या पेड़ को कट कर दिया जाता है, वैसे ही आदमी भी कभी मर जाता है। इन आवर यूथ वी आर रेस्प्लेंडेंट क्रिएचर, इन आवर डिक्लाइनिंग ईयर वी स्टूप अ लिटिल। हम क्या करते हैं अपने नवयुवा युवावस्था में, हम लोग क्या करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से चमकते धमकते देखते हैं, लेकिन जैसे ही बूढ़े होते हैं हम थोड़ा झुक जाते हैं। वी रिमेंबर वी स्ट्रेच आवर ब्रिटल लिम्स इन द सन इन दैट साई इन सेड आवर लास्ट लीव्स। और उसके बाद हम और हमारे जो जैसे पेड़ क्या होता है सूख जाता है धूप लगने से, वैसे ही उसके पत्ते गिर पड़ते हैं, वैसे ही आदमी के बीच में और पेड़ों के बीच में समानता होती है, आदमी भी एक दिन बूढ़ा हो जाता है और मर जाता है। महमूद वॉज लाइक अ बानियन, हिज हैंड्स नॉल ट्विस्टेड अंडर द ट्रू रूट्स ऑफ एंशियंट ट्री। महमूद भी उस बरगद के वृक्ष की तरह था जिसके हाथ पैर एकदम सूखे हो गए थे। अली वॉज लाइक अ यंग मिमोसा प्लांटेड एट द एंड ऑफ कोर्ट यार्ड। अली क्या था, मिमोसा का पेड़ था जो कि अभी बड़ा बड़ा हो रहा था, थोड़ा सा बढ़ रहा था। अली मतलब उसका नाती। इन द 2 ईयर्स बोथ ही एट द ट्री वुड अक्वायर द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्फिडेंस इन देयर अर्ली यूथ। और वो पेड़ और अली वो एक ही तरीके से स्ट्रेंथ को गेन कर रहे हैं जैसे जैसे बढ़ रहे हैं 2 साल के अंदर। द वॉइस इन द स्ट्रीट ग्रेव फेंटर एंड फेंटर पेंटर गिव फेंटर। महमूद वॉन्डर्ड इफ ही वॉज गोइंग टू फॉल एज स्लीप ड्रीम ही सो ऑफन डिड। अब महमूद क्या हो रहा था, आवाज़ गली में आवाज़ गूंज जो की गूंज थी वो धुंधली होने लगी, और वो जो आदमी था यानी बूढ़ा आदमी था वो ड्रीम कर रहा था और एस्लीप सो गया था। एंड सो ऑफन डिड द काइट सो ब्यूटीफुल एंड पावरफुल दैट इट वुड रिसेम्बल द ग्रेट वाइट बर्ड्स ऑफ हिंदूज गरुण गॉड विष्णु फेमस स्टीड। और ये कहा जा रहा है कि उसकी काइट इतनी ब्यूटीफुल और पावरफुल थी कि वो ऐसे जैसे कि हिंदू देवता जो विष्णु होते हैं उनका वाहन जो होता है गरुण होता है, वैसे सफ़ेद पक्षी जैसा दिखता है। ही वुड लाइक मेक वंडरफुल न्यू काइट्स फॉर लिटिल अली। वह क्या बनाता था, अली के लिए नए नए और शानदार काइट्स को बनाता था। ही हैड नथिंग एल्स टू लीव फॉर द बॉय। उसके लिए कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो उस बच्चे को छोड़ करके जाता, उसके लिए केवल एक ही जो उसके पास कला बची थी वो भी पतंग बनाने की कला थी। ही हर्ड अलीज वॉइस एट अ डिस्टेंस बट डिड नॉट रियलाइज दैट बॉय वॉज कॉलिंग हिम। और उसने अली की आवाज़ सुनी, उसे पता भी नहीं चल पाया कि कौन उसे बुला रहा है। द वॉइस सीम टू कम फ्रॉम वेरी फार अवे। आवाज़ बहुत दूर से आ रही थी। अली वॉज इन द कोर्ट यार्ड।
आस्किंग हिज मदर हैड येट रिटर्न फ्रॉम द बाजार। अली अंदर आता है आंगन में और पूछता है कि क्या मेरी मम्मी बाजार से लौटी। व्हेन महमूद डिड नॉट आंसर द बॉय केम फॉरवर्ड रिपीटिंग द क्वेश्चन दिस क्वेश्चन। उसके बाद जब महमूद ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने फिर से वही क्वेश्चन पूछा कि क्या मम्मी बाजार से आई। द सनलाइट वॉज स्लैंटिंग अक्रॉस द ओल्ड मैन सेट। और जो सूरज का प्रकाश था उसके चेहरे से यानी बूढ़े आदमी के चेहरे से झुक करके जा रहा था। एंड स्मॉल वाइट बटरफ्लाई रेस्टेड ऑफ हिज फ्लोइंग बियर्ड। और छोटी सी बटरफ्लाई जो थी वो उसके उड़ते हुए बियर्ड पर बैठी हुई थी, आराम कर रही थी। महमूद वॉज साइलेंट। महमूद एकदम शांत पड़ा हुआ था। वेन अली पुट हिज स्मॉल ब्राउन हैंड ऑन द ओल्ड मैन शोल्डर। और जब जो अली था उसने उसके कंधे पर जब हाथ रखा ही मेट विद नो रिस्पॉन्स यानी कोई भी उस उत्तर नहीं मिला। द बॉय हर्ड फेंट साउंड लाइक अ रबलिंग मार्बल इन हिज पॉकेट। उसने एक आवाज़ सुनी जैसे कि कोई मार्बल यानी कह सकते हैं पत्थर जब पॉकेट से या फिर कह सकते हैं गोली का जो टुकड़ा होता है जो खो खेला जाता है वो गिरा। द बॉय हर्ड अ फेंट साउंड लाइक हाँ ये हो गया। सडनली अफ्रेड अली टर्न एंड मूव टू द डोर। और वो डर गया, अचानक ही वो डर गया। अली मुड़ा दरवाजे की तरफ। देन रैन डाउन टू द स्ट्रीट शाउटिंग हिज मदर। और वह चिल्लाते चिल्लाते अपने मम्मी को बुलाने के लिए बाहर निकला। द बटरफ्लाई लेफ्ट द ओल्ड मैन बियर्ड एंड फ्लू इट टू द मिमोसा ट्री। और जो बटरफ्लाई थी वो उसके दाढ़ी पर से बूढ़े आदमी के दाढ़ी पर से उड़ करके मिमोसा के पेड़ पर चढ़ गई, जाके बैठ गई। एंड सडन गस्ट ऑफ विंग्स टॉर्न काइट एंड लिफ्टेड इट इन द एयर। और अचानक ही जो पेड़ पर पुराना काइट था वो उड़ गया आकाश में, कैरिंग इट फॉर अवे स्ट्रगलिंग इन टू द ब्लाइंड ब्लू स्काई। जो कि आकाश नीले आकाश में उस शहर से लड़ते झगड़ते ऊपर उड़ने लगी। रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। चलिए देखते हैं ये मल्टीपल चॉइस। देयर वॉज एन एंशियंट बानियन ट्री। ऑप्शन नंबर डी सही है, एंशियंट होगा। क्वेश्चन नंबर टू। आई नो दैट काइट ट्वाइन इज नॉट वॉट इट यूज टू बी। नेक्स्ट देखते हैं द ओल्ड मैन रिमेन्ड ड्रीमिंग इन द सन। क्वेश्चन नंबर फोर। नॉट मेनी पीपल बॉट काइट्स दीज डेज। द सिटी हैड स्वेलोड अप द ओपन फील्ड्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स। द रिक्वेस्ट ऑफ द नवाब हैड बीन वंस मेड अ वेरी स्पेशल काइट काइंड ऑफ काइट। नेक्स्ट है लार्ज क्राउड असेंबल्ड इन द ओपन टू वॉच द ड्रैगन काइट। क्वेश्चन नंबर एट। देयर इज अ ग्रेट अफिनिटी बिटवीन ट्रीज एंड मैन। क्वेश्चन नंबर नाइन। मैन ग्रो एट द सेम पेस इफ दे आर नॉट हर्ट। अली वॉज लाइक यंग मिमोसा ट्री प्लांटेड एट द एंड ऑफ कोर्ट यार्ड। ये आप खुद से करेंगे, डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर बी और सी आप खुद से करेंगे। डू योर सेल्फ का मतलब आप खुद से करेंगे, इसको आप खुद से बुक में सॉल्व करिए, देखिए, खोजिए और इसको कंप्लीट करिए। इसी के साथ ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। और इसके जो भी डिफिकल्ट मीनिंग हैं जो मैंने बताई हैं या बुक में दी गई हैं उसको आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।